नमस्ते किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं अधमका निमिट्स। काफ़ी किसानों की एक समस्या होती है कि जो निमिट्स निमेटोड होते हैं हमारे फसल में, ज़्यादातर कोई भी इंसेक्टिसाइड डालो या कोई भी ये डालो तो जल्दी से कंट्रोल नहीं होता। तो उन किसानों के लिए, उन फसलों के लिए आया है निमिट्स। निमिट्स का आप ज़रूर उपयोग इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने खुद इसका उपयोग किया है, इस्तेमाल किया है अनार की फसल में। बहुत ही अच्छे, बहुत ही जल्दी और लंबे समय तक हमको इसके रिजल्ट देखने को मिले। इसमें जो टेक्निकल है फ्लू सल्फोन 2% जी, आपको GR फॉर्म में इसका मतलब पाउडर फॉर्म में मिलता है। ये काम करने का तरीका जो है सिस्टमेटिक तरह से काम करते हैं। जैसे कि हम इसके हमारे पौधे के जड़ों के पास डालेंगे, ऊपरा पौधा अवशेष किया जाता है, जो भी अंदर जाके हमारे रूट पे यानी कि जड़ पे जो भी नॉट आया है, ज़्यादातर सभी फसलों में रूट नॉट निमेटोड आता है, आप देख सकते हो पिक्चर में जैसे निमेटोड है। इनको मारने के लिए बहुत ही अच्छा टेक्निकल है, बहुत ही अच्छे तरह से ये कंट्रोल करता है हमारा निमेटोड हमारी फसल पर जो भी आया है बहुत ही जल्दी। इसके रिजल्ट 24 या 41 या 42 दिन में आपके हमारे अपनी फसल पर देखने को मिलेंगे। इसकी बात करें तो ये बहुत ही अच्छा निमेटोसाइड है। डोज की बात करें तो कैप्सिकम यानी कि मिर्च, डोबली मिर्च, बड़ी मिर्च 1.5 ग्राम पर प्लांट, भिंडी में 1 ग्राम पर प्लांट, अनार में 10 ग्राम पर प्लांट और टमाटो में 1 ग्राम पर प्लांट इसका क्रॉप वाइज डोज है। आप इसका इस्तेमाल अनार में करने वाले हो तो कटिंग के बाद जो आप पहला पानी देते हो ना, पानी देने से पहले आप ड्रिप द्वारा इसका छोड़ दो। छोड़ने के बाद ये फसल पर जो भी अपनी अनार के अराउंडिंग रूट से रूट पर ये जाता है, फिर पानी के साथ वो जड़ से पौधे के अंदर जाता है। आप इसका उपयोग ड्रिप द्वारा या ड्रेचिंग द्वारा दो तरह से कर सकते हैं, आप इसकी स्प्रेइंग नहीं कर सकते। धन्यवाद। आप चैनल पर, जय किसान चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।